मंदसौर वाणीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम कोचवे में हो रही थी अवैध गांजे के पौधे की खेती। पुलिस ने की छापामार कार्रवाई, एक आरोपी गिरफ्तार। मंदसौर वाणीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम कोचवे में खेत मालिक द्वारा ही अवैध गांजे की खेती की जा रही थी। बुधवार की देर रात को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापामार कार्रवाई की, जहाँ से पुलिस को खेत में लगे गांजे के 50 पौधे और 70 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा शराब जब्त की है। मंदसौर वाणीनगर पुलिस ने NDPS एक्ट सहित 34 आबकारी एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। वाणीनगर थाना प्रभारी जितेंद्र पाठक ने 6:35 पर गुरुवार को मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई थी। आरोपी से पूछताछ की गई है कि गांजे के पौधे की खेती की जा रही है, तो उसके द्वारा बताया गया कि मैं खुद स्वयं अपने उपयोग के लिए गांजे के पौधे की खेती करता था। मंदसौर वाणीनगर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में SI विनय बुंदेला, SI मोहन सिंगार ने मौके पर पहुंचकर यह छापामार कार्रवाई कर खेत में 50 पौधे गांजे की और 70 क्वार्टर देशी मदिरा अप्लेन शराब जब्त की है। इस कार्रवाई में आरोपी अरविंद सिंह पिता गोकुल सिंह राजावत उम्र 64 साल निवासी ग्राम कोचवी को गिरफ्तार किया। 1,07,000 रुपये का मशरूका जब्त किया गया। देर रात सूचना प्राप्त हुई थी कि कोचवी में खेत में गांजे के पौधे लगे हुए हैं, जिस पर वाणीनगर पुलिस से SI बुंदेला और ASI मोहन सिंगार वगैरह गए और उन्होंने तस्दीक करी सूचना की, तो वहां पर 50 गांजे के पौधे मिले हैं, साथ ही 70 प्लेन देसी शराब के क्वार्टर भी मिले हैं। इस तरह कुल 1,07,000 लगभग का मशरूका पुलिस द्वारा जब्त किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को आज माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया था। कितने लोग गिरफ्तार किए गए सर, इसमें और भी आरोपी बनने की संभावना? नहीं, चूँकि खेत मालिक ही इसमें आरोपी है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, इसलिए सोर्स उन्हीं का था और उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। सर, क्या मालूम चल पाया कब से खेती कर रहा था सर गांजे की? प्रारंभिक पूछताछ में ज्ञात हुआ है कि इसके द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए बता रहा है, लेकिन चूंकि 50 की मात्रा में थी तो और पूछताछ की, लेकिन उसके द्वारा और कुछ जानकारी देने से इनकार किया गया। थैंक यू।